कह दिया है कि अब कुछ कहने को बचा नहीं है। और मैंने तो जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं इतनी भाव में डूब गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी रोए कि हंसे करे क्या, शब्द खो गए, मैं तो कुछ लिख ही नहीं पाई। और लिखने का जहाँ तक वो है सवाल है, दो चार पंक्तियाँ ऐसे ही याद दिमाग में आई थी, मैंने लिख दी। तो मैंने कहा मैं वहाँ बता दूंगी, क्योंकि मैंने अटल जी पे कोई कविता नहीं लिखी। अटल जी की इतनी कविताएं मैंने सुनी हैं, क्योंकि मंच पर उनके साथ कई बार पढ़ने का मौका मिला। ये जनता की पुकार एक कवि सम्मेलन हुआ करता था, तो संस्मरण क्या साथ में बैठते थे, पचासों बातें ऐसी होती थी, सब तो याद नहीं है, लेकिन एक बड़ी जो इन्होंने बहुत बढ़िया बातें कही कि बड़े वो ऐसे हाजिर जवाबी उनकी दिल की पूछे। तो यहाँ चौपाटी के पास जो कवि सम्मेलन था जनता की पुकार उसमें थी मैं, तो उस समय मेरी उम्र 40-45 के करीब रही होगी। तो अटल जी पहुंचे वहां, तो किसी ने वहां किसी बात पे उनके कोई मजाक हो रहा था, तो किसी ने बात पे कहा ये भौजी हैं आपकी, तो हंसे और कहने लगे कि उम्र अगर और इनकी ज्यादा होती तो मैं भौजी कह ही देता है, तो उम्र इनकी कम है तो मैं तो भौजी कह ही नहीं सकता। ये थोड़ा लेट टाइम, तो खैर जब कविता मैंने पढ़ी तो वो कविता जो मैंने वहाँ पढ़ी थी, दो कविताएं पढ़ी थी, एक दहेज के खिलाफ पढ़ी थी और एक कविता मैंने बहुत मेरी फेमस कविता थी, जीवन के सौदागर बोल मिट्टी का क्या होगा मोल, तो ये पढ़ी थी। मैं आज वही कविता आपको सुना सकती हूँ और दो चार लाइन जो मैंने अटल जी के लिए लिए, पकड़ना बहुत झंझट, ऐसे दे देना तो लगा होए तो अपना हाथ पांव चलाओ, ऐसे हमसे नहीं होता है। या बिना इसके भी पढ़ सकते हैं, भाव सूर्य चल दिया हमसे कह के गया, भाव सूर्य चम से कह के गया, देश तेरे हवाले वो भारत सुमन, हम सब सुमन दरिया में खिले। कृष्ण है सारथी, सारथी ही रहे, कृष्ण है सारथी, सारथी ही रहे, लड़ना अर्जुन को होगा है पहले वतन, आप सब अर्जुन है, हम सब अर्जुन है, लड़ना तो हमें होगा, कृष्ण तो सारथी बने रहे, हमको और कुछ नहीं बनना था, नहीं तो कृष्ण एक दिन में खत्म कर देते महाभारत। लेकिन उन्होंने कहा ये काम अर्जुन का है, मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, बाकी तुम्हें चलना। हार मानी नहीं, रार ठानी नहीं, भाग्य की पट्टिका को बदल के गया, हार मानी नहीं, रार ठानी नहीं, भाग्य की पट्टिका को बदल के गया, व्यर्थ के अर्थ सारे बदल के गया, संग मृत्यु के मन से वो चल के गया, कह गया है वो आएगा फिर लौट कर, हम सब की आत्मा में आ जाए, घुस जाए अटल जी। और देखिएगा हमारे जो आज के भी प्रधानमंत्री हैं, वो कोई उनमें वही सब जो इन्होंने कहा वो अंश है उनके, वही उत्तराधिकारी हैं, वो भी उसी राह पे चल रहे हैं। हम लोग में असल में क्या है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम जीवित रहने पर नहीं याद करते, मरने के बाद उसको याद करते हैं, मरने के बाद लोग याद करते हैं। हम लोग जब वो जीवित थे
तब कविता की कोई भी गोष्ठी ऐसी नहीं हुई कि अटल जी को भी हम लोग इनवाइट करते बुलाते और कविता सुनते उनकी। तब किसी में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ राजनीति पे ध्यान दिया लोगों ने। आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी कविता सुन रहे हैं। कह गया है वो आएगा फिर लौट के, रखना अपना संभाले ये प्यारा चमन, रखना अपना ये प्यारा चमन, देश तेरे हवाले, देश तेरे हवाले ए भारत सुमन, देश तेरे हवाले है भारत सुमन। लेकिन मैं अब वो रचना इसलिए कि वो वही उस मंच पे पढ़ी थी मैंने जब अटल जी थे, तो उन्होंने बहुत इसकी बढ़ाई की और बहुत मुझे शाबाशी दी थी कि बहुत अच्छी रचना सुनाई। क्योंकि मैंने जब जन्म होता है, बच्चे का जन्म हुआ, कैसे वो बड़ा हुआ और कैसे मिट्टी मिट्टी में मिल गई, ये पूरी घटना थी जो मुझे याद भी आज आ रही कि एक मिट्टी हम सबका शरीर देखे जब वो जल रहे थे, मैंने देखा, मैं रो रो दी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अटल जी कहाँ गए, अटल जी तो हैं तो गए नहीं, ये तो मिट्टी गई, मिट्टी जल के मिट्टी में मिल गई। तो वो कविता मैं सुना देती हूँ। जीवन के सौदागर बोल, जीवन के सौदागर बोल, मिट्टी का क्या होगा मोल, मिट्टी का क्या होगा मोल, मिट्टी का क्या होगा मोल, जीवन के सौदागर बोल, कहाँ से ये मिट्टी आई, कौन लाया, गूंधी किसी कुम्हार ने, गूंधी किसी कुम्हार ने, पीड़ा भरी दुलार में, सात समुंदर पार थी, नौ गज की दीवार थी, सात समुंदर पार थी, नौ गज की दीवार थी, पांच चादरों का था खो। जीवन के सौदागर बोल, सीले आंगन में आए, धूप भरे उजले साए, बच्चे ने आंखें खोली, सीले आंगन में आए, धूप भरे उजले साए, मौन अर्गनी टूट गई, डोर पलक की छूट गई, तो बचपन तुतलाए कुछ बोल, का क्या होगा बोल। अब जवान हुई लड़की, मैंने तो एक नारी के ऊपर समझ के लिखी थी कि दर्पण जब देखे दर्पण, दर्पण जब देखे दर्पण, सुलगे अंगारों सा तन, दर्पण जब देखे दर्पण, सुलगे अंगारों सा तन, कुमकुम आंखों में डाले और माथे पर काजल घाले, माथे पर काजल घाले, तो यौवन कहे कि वाड़े खो, जीवन के सौदागर बोल। अब देखिएगा, बिखरा तन है सांस चढ़ी, चितवन की जब फांस गड़ी, बिखरा तन है सांस चढ़ी, चितवन की जब फांस गड़ी, तंद्रिल रूप चकोर है, तंद्रिल रूप चकोर है, रजनी है के भोर है, और नैना रहे सितारे तो राजों की डोली चढ़कर गोरी पहुंची पी के घर, राजों की डोली चढ़कर गोरी पहुंची पी के घर, बाहों में एक क्यारी थी, बाहों में
सिर्फ लड़की ने क्यारी थी फूलों की, बाहों में एक क्यारी थी, बाहों में एक क्यारी थी, सोन जूही की बारी थी, तब गंधी दे कस्तूरी को। क्या होगा बेटी का, क्या होगा बोल। अब देखिए कि समय पतंग उड़ाते हैं, जीत रहा है समय, समय पतंग उड़ाते हैं, कुछ खोते कुछ पाते हैं, समय पतंग उड़ाते हैं, कुछ खोते कुछ पाते हैं, चेहरे पे मकड़ी जाला, वो चेहरा सुंदर, चेहरे पे मकड़ी जाला, और नैनों में मोती छाला, और कफन समेटे तन का झो। जीवन के सौदागर बोल। अब ये अंतिम पंक्तियां हैं, सुनिएगा, और वो आज के संदर्भ में जब उनकी चिता जल रही थी, बहुत बिल्कुल ये बात बढ़ती है, बैठती है वहाँ, कि सौदागर ये मिट्टी ले, सौदागर ये मिट्टी ले, मिट्टी का कण कण गिन ले, सौदागर ये मिट्टी ले, मिट्टी का कण कण गिन ले, बात मेरी सब सच्ची है, बात मेरी सब सच्ची है, ये कच्ची की कच्ची है, अरे सस्ते में बेचूं अनमोल। हाथ जोड़कर, उधर भी कलाकार बैठे हैं, इधर भी कलाकार बैठे हैं, तालियों में कंजूसी मत कीजिए। कलाकार तो यूं जिंदा रहता है ना। और सवाल संख्या का मौका उससे ज्यादा था। राम स्वागत है। यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, मैं शशत नमन। क्या वक्ता, क्या काव्य बल, सब ले गए अटल। सब ले गए अटल। सच है कि रस घट रीत गया, युग पुरुष गया, युग बीत गया। सच है कि रस घट रीत गया, युग पुरुष गया, युग बीत गया, तेरा व्यक्तित्व विराट रहा, तेरा व्यक्तित्व विराट रहा, तेरा कृतित्व महान रहा। तेरा व्यक्तित्व विराट रहा, तेरा कृतित्व महान रहा, तू सहज सरल, तू सफल सबल, ओ अटल अटल। क्या कविता, क्या काव्य बल, सब ले गए अटल। श्रद्धा सुमन के रूप में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे आप सुने। सच है कि रस घट रीत गया, युग पुरुष गया, युग बीत गया, तेरा कृतित्व महान रहा, तेरा व्यक्तित्व विराट रहा, तू सहज सरल, तू सफल सबल, ओ अटल अटल। मृत्यु को तूने हाथ दिया, मृत्यु हारी तू जीत गया, तू जीत गया, तू जीत गया, फिर लौट के तुझको आना है और अपना वचन निभाना है। तू मन से गया, तू मन से आ, जीवन को मिले मधु गीत नया, गीत नया, संगीत नया। वो फिर से भारत में आए, वो फिर से, और तब तक ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके इन चमन को बिल्कुल ऐसा ही रंगीन रखें, ऐसा ही गुलजार रखें, और अपने ऊपर किसी शत्रु की टेढ़ी दृष्टि न आने दें। धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.